देखते हैं कि लिन यान अपने हाथों में क्रिस्टल फ्रूट को पकड़कर कहता है कि इस कॉफिन की तो स्वेलो पावर कमाल का है। गोंग कहती है कि दूसरे स्प्रिट को स्वेलो कर तुम्हारा कल्टीवेशन को तो बढ़ाया जा सकता है। अब सिक्स स्टार के स्प्रिट को वो स्वेलो कर सकता है ये कॉफिन, मगर इससे ऊपर के लेवल से इंजरी हो सकती है। तभी लिन यान कहता है अच्छा ऐसा है। फिर लिन यान ट्रेजर टावर में जाता है जहाँ पर काफ़ी नॉइज़ यानी कि हल्ला गुल्ला हो रहा होता है। फिर एक्सचेंज एरिया में जाता है और क्रिस्टल फ्रूट के पोटली को टेबल पर रखकर कहता है कि मुझे इसके बदले स्प्रिट स्टोन चाहिए। एक्सचेंज एरिया वाला बूढ़ा आदमी लिन यान को देखते हुए कहता है कि यह तो एक यंग मैन है, इसके पास कुछ अच्छा तो नहीं होगा। ये सोचते हुए वह उस पोटली को खोलता है और देखता है कि उसके अंदर क्रिस्टल फ्रूट और 3 ग्रेड की जड़ी बूटी यानी हर्ब मेडिसिन भी है। वह बूढ़ा हैरान हो जाता है और लिन यान को देखता है और कहता है कि तुम्हें ये जड़ी बूटी कहाँ से मिली। लिन यान कहता है मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात से कोई मतलब होना चाहिए कि ये चीज़ें कहाँ से आती हैं सर। फिर बूढ़ा आदमी थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं, मुझे माफ़ कर दे, तो इन चीज़ों की कीमत 13,000 स्प्रिट स्टोन के बराबर है। लिन यान सौदागर बनते हुए कहता है कि ये कीमत थोड़ी कम है। बूढ़ा बोलता है 13,500 स्प्रिट स्टोन। लिन यान फिर कहता है 14,000, आप इस कीमत से नीचे नहीं जा सकते। फिर बूढ़ा व्यक्ति अपने बालों को सहलाते हुए कहता है ठीक है, यह सौदा तय रहा, डील। लिन यान कहता है थैंक यू सर और वह पूरा खुश हो जाता है। फिर बूढ़ा व्यक्ति कहता है यंग मैन तुम सेल्स एरिया में जाकर क्यान बैग को बाय कर लो, उसमें स्प्रिट स्टोन को रखना सुरक्षित होगा। लिन यान थैंक यू सर कहकर सेल एरिया में चला जाता है। फिर वह देखता है कि एक क्यान बैग के बदले 1,000 स्प्रिट स्टोन देना होगा। वह थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है ये तो साला बहुत ही महंगा है रे, लेकिन मुझे स्प्रिट स्टोन को रखने के लिए और हर्ब्स को भी रखने के लिए उसकी ज़रूरत है। फिर वह एक लंबी सांस लेता है और छोड़ते हुए कहता है कि चलो ले लेते हैं। फिर जब वह बैग लेकर जाने लगता है तो लिन यान की हालत देखकर दुकानदार कहता है धन्यवाद, ध्यान रखना सर। फिर हमें हर्ब्स एरिया में एक लड़की दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि आपको बर्निंग सन फ्लावर 60 पीस, ड्रैगन ग्रास 100 पीस, लार्क लीव 160 पीस चाहिए, कृपया कुछ देर इंतज़ार करें। फिर वह लड़की नीचे बैठती है और हर्ब्स की पोटली को पकड़ते हुए कहती है और सोचती है कि ये हर्ब्स बहुत ही महंगे हैं, क्या इस आदमी के पास इतना स्प्रिट स्टोन होगा। फिर वह उनको टेबल पर उन हर्ब्स को टेबल पर रख देती है और कहती है कि इन सब का 10,000 स्प्रिट स्टोन हुआ। फिर लिन यान स्प्रिट स्टोन को देता है और फनी फेस बनाते हुए सोचता है कि थोड़ी देर पहले मैं कितना अमीर था, लेकिन मैं इतनी जल्दी फिर से गरीब बन गया। फिर लिन यान रोते हुए कहता है अब मेरे पास केवल 3,000 स्प्रिट स्टोन ही बचे हैं, मुझे स्प्रिट स्टोन जमा करने के लिए बहुत ही मेहनत करना होगा। और पीछे से वाली लड़की लिन यान को एक फ्लाइंग किस देते हुए कहती है कि आपका अगली बार के लिए भी यहाँ पर स्वागत रहेगा यंग मास्टर। फिर जब लिन यान वहाँ से जाने लगता है तो उसके सामने एक लड़का आ जाता है और कहता है मास्टर लिन यान, तुम्हारे लिए तो ये हर्ब्स मेडिसिन क्या वेस्ट नहीं है,
क्या तुम अपने 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 कचरे वाले स्टेटस से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें एक और जन्म लेना होगा। फिर लेनियान कहता है वांगफी, और फिर वहाँ के लोग बात करने लगते हैं कि ओ यही वह आदमी है जिसके पास एक स्प्रिट जिसके पास एक कॉफिन का स्प्रिट है। मैंने सुना है कि मिस वांग ने इससे अपनी सगाई को तोड़ दिया है। फिर लिनियान कहकर आगे बढ़ जाता है। फिर वह लड़का वांग भी उसके हाथों में खुजली मचती है और वह लिनियान के कंधे पर अपना हाथ रख देता है और कहता है कि जब मेरे चचेरे भाई ने तुम्हारी सगाई तोड़ दी तो तुमने कहा था कि तुम 3 साल के बाद उसे हरा दोगे। ये कहकर वो हंसने लगता है और कहता है कायर डरपोक, तुम अपने आप को बदनाम कर रहे हो, मैं कहता हूँ तुम सगाई तोड़ दो। लिनियान लिनियान किलर वाला फेस बनाते हुए कहता है कि तुम अपना गंदा हाथ मेरे कंधे के पास से दूर हटा लो, नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगा। लिनियान फिर जोर से कहता है कि अपना हाथ मुझसे दूर रखोगे या मैं इसे तोड़ दूं। वांग भी अपना कान साफ करते हुए कहता है क्या तुम इसे दोबारा कहने की हिम्मत कर सकते हो। लिनियान कहता है तुमने ऐसा कहकर गलती कर दिया। यह कहते हुए के साथ लिनियान तुरंत पीछे घूमकर उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को तोड़ देता है। वांग भी अपने टूटे हुए हाथ को पकड़कर नीचे लेट जाता है और कहता है आ मेरा हाथ टूट गया। वहां पर लोग कहते हैं कि उसकी हड्डी टूटने तक की आवाज़ आई, उससे दूर ही रहो। लिनियान वांग फी की तरफ देख रहा होता है और वांग फी कहता है कि लिनियान यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें मार डालूँगा। तभी लिनियान कहता है इतना काफ़ी नहीं है तेरे लिए, और फिर तुरंत दूसरे हाथ को पकड़कर वह उसे भी तोड़ देता है। फिर वांग फी बहुत ज़ोर से चिल्लाता है आ। फिर तभी हमें भीड़ के पीछे से कोई कहता है कि कौन यहाँ पे परेशानी खड़ा कर रहा है। तभी वहाँ के लोग बातें करने लगते हैं कि ये तो मिस्टर झोऊ हैं, वह ट्रेजर टावर के हेड हैं और जिंग यान चुआन शहर के एकमात्र एल्केमिस्ट भी हैं। लिनियान उसे देखते हुए ग्रीट करता है और मास्टर झोऊ कहते हैं आप लिन परिवार से हैं, ट्रेजर टावर के 4 दीवारी के अंदर लड़ाई करना मना है, आज जो हुआ है इसके लिए आपको हिसाब देना होगा। तभी बीच में वांग भी बोलता है कि मिस्टर झोऊ उसने मेरे दोनों हाथों को तोड़ दिया है, प्लीज़ उसे मार डालो और मैं इसके लिए तुम्हें पे भी करूँगा। ये सुनकर मिस्टर झोऊ गुस्से में उसे देखते हैं और एक अटैक के साथ उसे बाहर फेंक देते हैं। फिर वांग फी उठता है और कहता है मिस्टर झोऊ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर मिस्टर झोऊ उसे अपने गुस्से भरी नज़रों से देखते हैं और कहते हैं कि तुम रास्ते से हट जाओगे या फिर तुम दरवाजे पर ही मरना पसंद करोगे। यह सुनकर वांग फी वहाँ से आ आ दर्द के मारे चिल्लाते हुए भाग जाता है। फिर लिनियान मिस्टर झोऊ को शुक्रिया कहता है और मिस्टर झोऊ कहते हैं कि मैं आपकी मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस या वांग परिवार के लड़के बहुत ही घमंडी होते हैं जिसकी वजह से ये सब हुआ। चूँकि वांग फैमिली का लड़का चला गया है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। लिनियान उन्हें ग्रीट करता है और कहता है सी यू, फिर मिलेंगे, यह कहकर चला जाता है। फिर पीछे से एक्सचेंज एरिया का बूढ़ा आदमी मिस्टर झोऊ को बताता है कि मास्टर लिनियान ने यहाँ से 14,000 स्प्रिट स्टोन का लेन देन किया है जिसमें उसने 10,000 का सिर्फ हर्ब्स मेडिसिन खरीदा है। और मिस्टर झोऊ मन में सोचते हैं कि उसने इतनी सारी हर्ब्स को क्यों खरीदा होगा। फिर तभी वह बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं कि उसने क्या क्या खरीदा है
और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जब तक 1K ना हो जाए। थैंक यू।